अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर पे कोकोपीट बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको नारियल शेल्स की ज़रूरत होगी, बल्कि शेल्स के ऊपर जो हल्का हल्का बरादा है वो हम लेंगे और इसे हाथ से अलहदा अलहदा कर लेंगे। इसके लिए हम कटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हाथ से भी हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लकड़ी ना आए, नहीं तो हमारा ये ग्राइंडर मशीन भी इससे ख़राब हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से हमने नरम कर लेना है। अगर हम कटर से करना चाहें तो कटर ले लें, नहीं तो इसको हम हाथ से ही अच्छे तरीके से इसके ये जो बाल से हैं इनको अलग अलग कर लेंगे। और फिर हम ग्राइंडर का जग लेंगे, उसको इसमें डाल देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कुंडी से भी कूट सकते हैं अगर चाहें तो, अगर आप ग्राइंडर मशीन नहीं यूज़ करना चाहते। अब इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये इतनी जल्दी ग्राइंड नहीं होगा, आपको 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। देखें, अब इसमें से हम जो नीचे नीचे से बरादा है वो निकाल लेंगे और जो इसके बाल बचे हैं उनको दोबारा ग्राइंड करेंगे। देखें, इसका बरादा भी तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ इसके बाल से हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे और बरादे को अलहदा कर लेंगे। ये कोकोपीट बाज़ार से लें तो काफ़ी महंगी पड़ती है, इस तरह हम अपने घर में ही इसको बना सकते हैं। और ये सीड्स वगैरह लगाने के लिए पॉट मीडियम में हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको हमने बालों को दोबारा से मैश किया है और ये हमें इस शक्ल में मिल जाएगी। जब तक हमें ये फ़ाइन शक्ल में नहीं मिलती हम इसे ग्राइंड करते रहेंगे। और इसके बाद हम इसे पानी में भी भिगो के सेव कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं। पानी में भिगोने के बाद इसे सुखाना पड़ेगा। थैंक यू।